Hello, good morning students. Today we are going to start exercise 7.3 of differentiation. इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो आइए उससे पहले कुछ हम फॉर्मूले देखते हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। तो आप लोग देखिए डिफरेंशिएट कोफिशिएंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले हैं। तो इसमें मेनली 6 फॉर्मूले हमारे पास क्या है कि डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स, किसी भी साइन फंक्शन का इनवर्स फंक्शन का अगर डेरिवेटिव करना हो तो क्या होगा, जो यहां से इनवर्स फंक्शन के साथ में होगा, जो यहां पे एक्स है तो ये 1/√1 - क्या होगा एक्स स्क्वेयर होगा। क्लियर? अगर कोस हो तो कोस कहां से, देखो इन दोनों का सेम होता है, इन दोनों का सेम होता है, इन दोनों का सेम होता है, तो साइन का जो कोस का आएगा वही साइन का आएगा, बट सी से शुरू हो रहा है तो माइनस साइन लगेगा, तो यहां से 1/√1 - x² और c से हो रहा है तो साइन क्या आएगा माइनस आएगा। अब d by dx tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 + x² होता है, बट अगर cot इनवर्स x का डेरिवेटिव पूछ ले तो सेम आएगा 1/1 + x² बट साइन माइनस आएगा। उसके बाद हम लोग देखें d by dx secant इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो मोड ऑफ x का मतलब पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x लेनी है, 1/√x² - 1, आप x भी लिख सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोसेकेंट इनवर्स x का है तो माइनस साइन आएगा 1/√x² - 1, तो ये हमारे पास आने वाले हैं। अब देखो इसी के अंदर हम लोग बात करें कुछ एक रूल्स इसी से बनाएं, अगर मैं कहूं आपको d by dx आपको साइन इनवर्स फंक्शन ऑफ x का फाइंड करना हो कि यहां पे x ना हो के कोई अदर फंक्शन हो तो क्या करोगे 1/√1 - फंक्शन का स्क्वायर। अब dy dx किसका करोगे fx का, जो यहां पर रहेगा, हमेशा ध्यान रहे इनवर्स का फंक्शन का अगर डेरिवेटिव करोगे सबसे पहले तो यहां पर इनवर्स के साथ में जो फंक्शन है उसका स्क्वायर करेंगे रूट में और फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव। अगर मेरे पास dy dx यहां पर कोस होता, कोस इनवर्स एफ ऑफ एक्स होता तो माइनस करते बस और सब कुछ एज इट इज रहता और ये डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स का। क्लियर? अगर डी बाई डी एक्स आपके पास टेन इनवर्स एफ ऑफ एक्स होता तो 1/1 + f(x)² और डी बाई डी एक्स क्या हो जाता फंक्शन ऑफ एक्स का, एफ एक्स का एफ डैश एक्स होता है। इसी प्रकार d बाई डी एक्स आपके पास कोट होता तो माइनस आता, अगर यहां पे secant इनवर्स x होता तो 1/x की जगह मोड ऑफ fx√fx² - 1, अब d बाई डी एक्स किसका fx का। क्लियर? अगर यहां पे डेरिवेटिव secant इनवर्स का होता, सॉरी cosecant होता तो यहां पर क्या जाता माइनस साइन। तो ये सब फॉर्मूले हमें इन्हीं से रिलेटेड करने हैं आप लोगों को। उसके बाद आपको हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो मैंने लिखवाए हैं, किसका फॉर्मूला, जैसे आपको पता है साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है 2 sin x cos x पता होना चाहिए, 1+cos 2x का मैं सभी करवा के आया हूं, 2 cos इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सारे फॉर्मूले लिखवाए हैं, ये 1 - cos 2x का क्या होता है 2 sin² angle का 1/2। क्लियर हुआ? उसी के बाद देखो साइन टू एक्स का टेन में होता है क्या होता है टेन 2 tan x/1+x² टेन 2x का क्या होता है 2 tan x/1, ये टेन स्क्वेयर है भाई, यहां से 1 माइनस आ जाएगा tan²x। अगर आपके पास किसका हो cos 2x का टेन में पूछ ले 1 - tan²x, 1+tan²x, उसके बाद ये फॉर्मूला पता है tan π/4+x क्या होता है 1+tan, 1 - tan, सब पता है आपको, tan π/4 - x क्या होता है 1 - tan x, 1+tan x, यही फॉर्मूला हमारे पास होते हैं। उसके बाद और भी जो भी हमारे पास फॉर्मूले हैं, जैसे आप लोगों को ये भी पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का tan x + tan y क्या होगा tan x + y 1 - xy, अगर ये आ जाए tan x - tan y
क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई वन प्लस एक्स वाई। ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं आप लोगों को पता होना चाहिए इन फॉर्मूलों का, क्योंकि हम आगे यूज करेंगे तो पता होना चाहिए। उसके बाद जैसे यहां से ही आ जाए भाई वन प्लस साइन एक्स आ जाए, तो आपको पता है पहले इसको कोस में कन्वर्ट करेंगे, तो कोस में करेंगे तो ये लिखेंगे कोस पाई बाई टू माइनस एक्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, टू कोस स्क्वायर एंगल का हाफ पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो यहां पे आ जाएगा साइन वाला। क्लियर? तो ये सब बातें आप लोग पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर और इनसे रिलेटेड फॉर्मूले हमने लिखाए हैं। ये सब फॉर्मूले मैं ऑलरेडी पहले करवा चुका हूं, तो ज्यादा करवाने की मुझे जरूरत भी नहीं पड़ेगी करने की, तो आप लोगों फिर भी मैंने लिख दिया, आप नोट कर सकते हो। अभी देखिए हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो याद रखिए इस वीडियो में हम एनसीईआरटी प्लस एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाते हैं आप लोगों को और उन्हीं से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेते हैं। एक बात और क्लियर कर दे आपको कि हमने जो हम जो एक्सरसाइज करवाई है, इससे पहले हमने 7.1 करवाई है, 7.2 करवाई है, यहां से इसके अंदर 7.1 ये फोर्थ लेक्चर हमारा है, इसके अंदर 7.3 का फोर्थ लेक्चर है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे आप लोगों को कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हम वो बताएंगे फॉर्मूले और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताएंगे। अब याद रहे कंप्लीट डिफरेंशिएशन में हमारे पास 11 एक्सरसाइज है एलिमेंट्स के अंदर, तो आप मान के चलिए अगर आपको 7.1 2 और 3 क्लियर कर लें, जिस बच्चे को 7.1 2 3 आएंगी आगे की एक्सरसाइज उन्हीं को आएंगी, नहीं किस आगे की एक्सरसाइज एक भी नहीं आएंगी। जिसको 3 एक्सरसाइज आएंगी उसको कंप्लीट डेरिवेटिव आएगा और जिनको नहीं आएंगी ये उसको डेरिवेटिव नहीं आएगा। तो याद रखें डेरिवेटिव के अंदर ये जो फर्स्ट 3 एक्सरसाइज है 7.1 2 और 3 और हम जो 7.3 कंप्लीट करेंगे, इन ये बेसिक है डिफरेंशिएशन का, इसको ढंग से कर ले, अच्छी तरह इनकी प्रैक्टिस करें, सोल्व करिए, बाकी हम सब प्रॉब्लम्स हम ले रहे हैं। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है इसका पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो आपके पास जो सॉल्यूशन इसका मैं फर्स्ट करने जा रहा हूं वो देखिएगा, सॉल्यूशन फर्स्ट, लेट वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स टू एक्स क्यू, यही है। तो आप लोग क्या लिखोगे यहां से कि डिफरेंशिएट कोई भी फंक्शन है, या डेरिवेटिव भी लिख सकते हो, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, आप बताइए टेन, टेन का फॉर्मूला ये है वन अपॉन वन प्लस जो फंक्शन यहां है, यहां पर फंक्शन है उसका स्क्वेयर करते हैं, वन अपॉन वन प्लस टू एक्स क्यूब का होल स्क्वेयर। याद रहे फिर जिसका आप स्क्वेयर करो उसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स किसका, टू एक्स क्यूब का। तो यहां से क्या है, वन अपॉन वन प्लस फोर एक्स की पावर सिक्स, अब टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वेयर, तो आंसर क्या आया, सिक्स एक्स स्क्वेयर अपॉन वन प्लस फोर एक्स की पावर सिक्स, ये क्या है डी वाई बाई डी। तो आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या करोगे, सेकंड में क्या है, वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स कोस अंडर रूट ऑफ एक्स। आप करें क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या करोगे वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, टेन का क्या होगा वन अपॉन वन प्लस कोस अंडर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यही होगा वन अपॉन वन प्लस जो यहां रहेगा उस फंक्शन का होल स्क्वायर। अब डी बाई डी एक्स किसका, कोस अंडर रूट ऑफ एक्स का। अब वन अपॉन वन प्लस ये आएगा कोस स्क्वायर अंडर रूट एक्स, कोस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन अंडर रूट ऑफ एक्स। अब डी बाई डी एक्स किसका, अंडर रूट ऑफ एक्स का। तो यहां से बच्चों डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, वन अपॉन वन प्लस कोस अंडर रूट ऑफ एक्स, ये आएगा क्या साइन अंडर रूट ऑफ एक्स, अंडर रूट एक्स का वन बाई टू रूट ऑफ एक्स। तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास थर्ड इसका क्वेश्चन है, लेट वाई क्या है, अंडर रूट टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स। तो क्या करोगे हम लोग इसमें सोल्व करें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स लेके चलें, तो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अब पहले पावर का होगा, याद रहे पहले पावर है तो पावर होगा, अब पावर अंडर रूट है तो अंडर रूट का डेरिवेटिव हर जगह हमने पिछले दो एक्सरसाइजों में ऐसे ही करवा रहे हैं,
कैसे करेंगे, 2 के साथ नीचे उतारेंगे। अब डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, उसके अंदर, अंदर फंक्शन क्या है, टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स, उसके अंदर फंक्शन यही है। ये क्या आएगा, 1/2 टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस किसका स्क्वेयर लिखोगे, जो यहां पे है अंडर रूट एक्स का होल स्क्वेयर। अब डी बाई डी एक्स किसका, अंडर रूट ऑफ एक्स का। अब इसको सोल्व कर सकते हो, 1/10 इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स, यहां से 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर और अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट ऑफ एक्स। तो अगर आप एक एक स्टेप लेके इनको इजीली सोल्व कर सकते हो, बट आराम से करिएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बड़ा सिंपल है डिफरेंशिएशन। अभी फोर्थ मेरे पास है इसके अंदर कि लेट y इज इक्वल टू क्या है, कोट इनवर्स 1 - x 1 + x। अब आपको पता है ये क्वेश्चन कोट के अंदर हम टेन में बना सकते हैं क्या, आपको पता है टेन के अंदर अगर हम बढ़ाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। अगर आप कहो तो इसको मल्टीप्लाई में 1 लिख दू, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। किसका फॉर्मूला है, देखो टेन इनवर्स 1 + x 1 - x × 1, मतलब आप लोग देखो तो ये फॉर्मूला किससे रिलेट कर रहा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई से। क्या होता है फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 - xy, मैंने लिखवाया है ऊपर, यहां इस हिंट में भी लिखवा रखा है। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, जब राइट साइड दे रखी तो लेफ्ट बना सकते हो, टेन इनवर्स 1 + tan inverse of x। आप बताओ डिफ्रेंशिएशन करो, dy बाई dx करो, ये तो देखो एक बार लिख दो, ये तो किसकी वैल्यू है, ये पाई बाई फोर की वैल्यू है, ये टेन इनवर्स ऑफ एक्स। आप बताओ पाई बाई फोर का डेरिवेटिव 0, टेन इनवर्स का 1/1 + x2। तो आपके पास आंसर क्या आया, 1/1 + x2। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड मेरे पास है, लेट कोई भी क्वेश्चन उसको y के इक्वल कंसीडर करिए, कोट इनवर्स 1 + cos/sin। देखो याद रहे ये वो एक्सरसाइज है जिसमें हमारा कंप्लीट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा। अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज अच्छे से आती है, उसके बाद आपको एक स्टेप करना पड़ेगा, मतलब सेकंड चैप्टर जिसको अच्छे से आएगा वो 7.3, अगर मैं नहीं भी सोल्व करवाऊं वो इजिली सोल्व अपने आप कर सकता है। तो आपका सेकंड चैप्टर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है वो कंप्लीट आएगा इसके अंदर। और मैंने बताया था पहले भी जब मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कराया कि ये चैप्टर हमारे 3 चैप्टर्स में यूज होगा, एक डिफरेंशिएशन में, एक इंटीग्रेशन में। तो एज इट इज आप कंप्लीट वही क्वेश्चन देखोगे जो ट्रिग्नोमेट्री में थे। तो आप लोग देखिएगा यहां से, तो यहां से आप लोग देखोगे तो क्या रहा है, वाई इज इक्वल टू कोट इनवर्स, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वहां पे, 1 + cos का उधर राइट में लिख भी रखा है, क्या फॉर्मूला है, 2 cos² angle ½ sin x / 2 sin x/2 cos x / 2। 2 से 2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, ये कोस बाई साइन कोट एक्स बाई टू, और ये सिर्फ कोट से कोट कैंसिल हो गया तो सिर्फ क्या गया, x/2। अब लिख दोगे डिफरेंस, ये हमने इनवर्स में किया है, अब सिर्फ ये स्टेप लिखना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स और x/2 का 1/2। तो ये मेरा क्या होगा, इसका आंसर हो गया, कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, लेट y इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 - cos x 1 + cos x। आप लोग देखिए y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, 1 - cos क्या होता है, 2 sin² angle ½। ये जो हमारे पास 3 फॉर्मूले, sin 2x 1 + cos 2x 1 - cos 2x, आप देखो एक कंप्लीट मैथ में यूज होने वाले हैं हर एक चैप्टर में। यहां से 2 cos² x/2, यहां से यहां, तो ये क्या आ गया, tan इनवर्स अंडर रूट 10² x/2। तो ये क्या आएगा, tan इनवर्स 10² √ कट जाएगा x/2, सिर्फ x/2 आया। तो आपके पास y इज इक्वल टू x/2, हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy/dx x/2 का 1/2। तो आप लोग इजीली डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है आप वो देखिए,
लेट वाई इज इक्वल टू क्या है, टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स। आप लोग देखोगे कि इसके अंदर क्या है कि अगर आपके पास ये काफी बार आ लिया, पिछली एक्सरसाइज में भी आए थे क्वेश्चन, कोस साइन है प्लस माइनस है, ऊपर प्लस या नीचे माइनस है, ऊपर माइनस नीचे प्लस है, तो आप डिवाइड करोगे हमेशा डिवाइडिंग बाय कोस एक्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये क्या लिखोगे, कोस बाय कोस माइनस साइन एक्स बाय कोस एक्स अपॉन कोस एक्स बाय कोस एक्स प्लस साइन एक्स बाय कोस एक्स, यही आएगा, इससे ये सब कैंसिल हो गया। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स वन माइनस टेन एक्स वन प्लस टेन एक्स, यही आएगा। आप लोग देखो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स किसका फॉर्मूला है, टेन पाई बाई फोर माइनस x का है, देखो लिख रखा है हम लोगों ने वन प्लस वन माइनस टेन वन प्लस टेन, तो पाई टेन पाई बाई फोर माइनस x, अब टेन से टेन कैंसिल, y इज इक्वल टू आ गया पाई बाई फोर माइनस x। ये करते ये सब हमने यहां तक हर एक स्टेप को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में किया है, तो अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy by ds pi by 4 का 0, x का माइनस वन, तो आंसर क्या आया माइनस वन। तो आप इजीली हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स secant प्लस tangent। आप लोग देखिएगा लेट y इज इक्वल टू हमने कंसीडर कर लिया tan इनवर्स secant x प्लस tangent x, कर लिया है, तो यहां से y इज इक्वल टू टेन इनवर्स साइन कोस में कन्वर्ट करिए, सीकेंट होता है वन बाई कोस, टेन होता है साइन बाई कोस, यही होता है। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स कोस एलसीएम होगा, तो ये क्या होगा वन प्लस साइन ऑफ एक्स। अब आप बताओ फॉर्मूला नहीं बन रहा है हमारा, एक बात हमने काफी बार क्लियर कर दी है, वन जब भी आएगा उसके साथ कोस लेना, उधर भी मैंने फॉर्मूला लिखा तो यहां से बताया था, तो वन प्लस, मैं ये सब क्लियर कर देता हूं आप लोगों को, ये समझ में आ गए होंगे, वैसे हम लोगों ने सारे फॉर्मूले ऑलरेडी पहले लिखवा भी रखे हैं, तो देखिएगा आगे। तो यहां से देखो वन प्लस साइन को लिख सकता हूं कोस पाई बाई टू माइनस ऑफ एक्स, कोस को लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू माइनस ऑफ एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं। अब आप देखिए y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, वन प्लस कोस का फॉर्मूला क्या होता है, टू कोस स्क्वायर एंगल का हाफ पाई बाई फोर माइनस टू से डिवाइड कर दो एंगल को, और यहां से टू साइन एंगल का हाफ पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू कोस पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। तो आप लोग देखिए टू से टू कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, तो आपके पास आया क्या भाई, ये टेन इनवर्स, ये आया कोट पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। तो दिस इंप्लाइज, आगे हम देखें इसको कि टेन इनवर्स, आप देखो बाहर टेन है बट अंदर कोट है, तो कोट को टेन में कन्वर्ट करो, तो टेन में कन्वर्ट करते तो पाई बाई टू माइनस थीटा करते हैं पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। यहां से आप देखो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन, आप लोग देखोगे कि क्या आएगा, ये पाई बाई टू साइन चेंज करो पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, तो टेन से टेन कैंसिल कर दो तो ये आएगा पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर, ये बचेगा पाई बाई फोर और प्लस एक्स बाई टू, ये दोनों कैंसिल हो गई, तो मेरे पास y इज इक्वल टू क्या आया पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy by dx pi by 4 का 0, x by 2 का 1 by 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया 1 by 2 आ गया है। तो आप लोग देख लीजिए इसके अंदर हमने कंप्लीट इसको सोल्व करवाया है, 1 by 2 आंसर आया है। अब यहां से देखिए आपको पता है रूल तो वही है जो हमने बताया, लेट y इज इक्वल टू, सेकेंड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्या करोगे कोट इनवर्स, हमने क्या बताया था 1 माइनस साइन आ रहा है तो कोस लेंगे, तो साइन एक्स को लिख सकते हैं कोस पाई बाई टू माइनस एक्स, और वन प्लस इस साइन को लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस एक्स, तो वाई इज इक्वल टू कोट इनवर्स अंडर रूट आएगा टू साइन स्क्वायर एंगल का हाफ पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू,
टू को स्क्वेयर एंगल का हाफ वाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, टू से टू कैंसिल, तो वाई क्या आ गया हमारे पास, आ गया है कोट इनवर्स, ये आएगा टेन स्क्वेयर पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, तो वाई इज इक्वल टू कोट इनवर्स, रूट से रूट कट जाएगा, टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, यही आएगा। अब आप देखोगे यहां से अगर अपने पास टेन है और बाहर कोट है तो अंदर कोट ही बनाएंगे, तो कोट बनाएंगे तो कोट पाई बाई टू माइनस एंगल करेंगे पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, कोट से कोट कैंसिल हो गया, इसमें देखो क्या बचेगा पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, साइन चेंज कर दिया तो आएगा पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का डेरिवेटिव डीवाई बाई डी एक्स पाई बाई फोर का होगा जीरो, एक्स बाई टू का वन बाई टू, सो आंसर क्या आया वन बाई टू, तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड के अंदर हम लोग करेंगे, इसके अंदर ये क्वेश्चंस है, शायद टू क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आपको पता है वाई इज इक्वल टू हम लेके चलेंगे जो हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स। अब देखो यहां से सोल्व तो डायरेक्ट नहीं हो रहा, तो आपको पता है कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, क्वोशेंट रूल अप्लाई करेंगे, तो क्या लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी एक्स, क्या करोगे डिनोमिनेटर का होल स्क्वेयर, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, फिर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज डी बाई डी एक्स किसका, एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स का, माइनस एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स किसका, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर का। आपको पता है क्वोशेंट रूल यही होता है डिनोमिनेटर का होल स्क्वेयर, डिनोमिनेटर एज इट इज डी वाई डी एक्स, न्यूमिनेटर एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स, माइनस एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स आप लोग देख रहे हो यहां वन माइनस एक्स स्क्वेयर आ रहा है, ये देखो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर आ रहा है एज इट इज। अब प्रोडक्ट रूल लगेगा कि नहीं लगेगा आप बताओ, प्रोडक्ट में है यहां पे देखो दो नंबर प्रोडक्ट में है, तो यू इंटू वी का रूल अप्लाई होगा, तो एक्स एज इट इज साइन का क्या होगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर, रूल लगाएं क्या सीधा करके बताएं, चलो लगा देते हैं एक बार, एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स किसका साइन इनवर्स ऑफ एक्स का, प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स किसका एक्स का, लगा दिया रूल, ये एक्स साइन इनवर्स एक्स एज इट इज। अब अंडर रूट का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, अपोन में टू के साथ लेते हैं कि नहीं लेते हैं अंडर रूट को, कोई भी फंक्शन अंडर रूट में आए टू के साथ लेंगे अपोन में, और अब डी बाई डी एक्स किसका करेंगे जो इसके अंदर है, अंदर क्या है इसके वन माइनस एक्स स्क्वेयर। अब आप लोग देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहां से नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा वन माइनस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, तो कट गया था ऊपर, यहां से अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर, प्रोडक्ट रूल बताओ एक्स एज इट इज साइन इनवर्स एक्स का वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज एक्स का वन हो गया, माइनस देखिए यहां से ये क्या रहा है एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइड में टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर, वन का जीरो माइनस एक्स स्क्वेयर का माइनस टू एक्स होगा, यहां टू से टू क्या हुआ कैंसिल। अब इसको अंदर लेके जाइए आप, आपको पता है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर को इससे मल्टीप्लाई करो, एक बार लिख दो बाद में कर लेंगे, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन वन लिख सकता हूं, इसको मैंने इससे इससे दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस क्या होगा एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर। देखो चाहो तो इसका आप रेसिप्रोकल कर सकते हो, अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो डिवाइड में लिख दो कोई दिक्कत भी नहीं है भाई, यहां से रेसिप्रोकल करो आपके पास डिवाइड में एक बार लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, अगले स्टेप में कर दूंगा, आपको पता है ये मतलब ये डिवाइड का साइन है एज इट इज हुआ। अब आप बताओ इसका एलसीएम क्या रहा, आपको सिर्फ सोल्व करना है, डेरिवेटिव हमने कर दिया अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर क्या आता है बताओ, यहां से एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस अंडर रूट से अंडर रूट कट गया तो वन माइनस एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स ऑफ एक्स और ये पलट जाएगा वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे कि सब कट जाएगा, देखो दिस इंप्लाइज
ये होगा एक्स, अपन इधर ले आते हैं इसको, देखो इसको मैं इस तरफ कर रहा हूं, ये क्या बचेगा आप लोग देखिएगा, एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। साइन को वन से क्या, साइन को एक्स स्क्वेयर से करो, एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स ऑफ एक्स, बेस सेम है, पावर एड हो जाएंगी। वन माइनस एक्स स्क्वेयर की देखो अंडर रूट मीन्स वन बाई टू, और ये कितनी पावर है, वन पावर है, तो आप लोग बताओ इससे ये कट गया, तो ये आंसर आ गया एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स ऑफ एक्स वन माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर थ्री बाई टू। तो आप ऐसे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड पार्ट है जो इसका, सेकंड पार्ट के अंदर आप लोग देख रहे हो, अगर कोई रूल नहीं लग रहा हो, अगर इनवर्स से रिलेटेड नहीं लग रहा हो, तो आप डायरेक्ट उसका कर सकते हो, थर्ड क्वेश्चन में सारे डायरेक्ट कर लेना। अब देखिए यहां से क्या आएगा, कोस इनवर्स ए प्लस बी कोस ऑफ एक्स बी प्लस ए कोस ऑफ एक्स, यही है। सबसे पहले हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यहां से करें डी वाई बाई डी एक्स। आप लोग देखिए कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस ए प्लस बी कोस एक्स अपॉन बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर, और अब डी बाई डी एक्स किसका, ए प्लस बी कोस एक्स अपॉन बी प्लस ए कोस एक्स का डेरिवेटिव, कर सकते हो कि नहीं। अब देखिए आगे नेक्स्ट स्टेप, हम देखें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, अब बताओ इसका एलसीएम क्या रहा है, इसका एलसीएम आ रहा है बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहां से क्या आएगा बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें क्वोशेंट रूल अप्लाई करिएगा, क्या होगा बताओ, बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यहां से लिख देता हूं जगह कम है, तो यहां से ए प्लस बी कोस एक्स एज इट इज, कौन सा एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, तो क्या एज इट इज, बी प्लस ए कोस एक्स एज इट इज, डी बाई डी एक्स किसका, ए प्लस बी कोस का, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर, क्लियर हुआ इतना। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग देखिएगा, इससे अगला जो स्टेप होगा उसके अंदर की दिस इंप्लाइज, आगे हम सोल्व करें, यहां से आपके पास क्या आएगा, एज इट इज रखेंगे हम, जो आए उसको रखना है, बी प्लस ए कोस एक्स एज इट इज, बताओ ए का डेरिवेटिव जीरो, बी कोस एक्स का, ए जीरो बी कोस एक्स का माइनस बी साइन एक्स माइनस ए प्लस बी कोस एक्स एज इट इज, इसमें बताओ बी का जीरो ए कोस एक्स का ए साइन ऑफ एक्स, यही आएगा। अब आप लोग देखिएगा अंडर रूट यहां से क्या आ रहा है, सेपरेट अंडर रूट इसके साथ खोल दीजिए, बी प्लस ए कोस एक्स, क्लियर, बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, ऊपर क्या है बताओ बी प्लस ए, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस एक्स, आपको पता है ओनली फॉर्मूला अप्लाई किया है, बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस एक्स माइनस, इसमें देखिए हम क्या होगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस टू ए बी कोस एक्स, समझ गए। अब ये एज इट इज ये क्या है, यहां से बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप आगे और देखिएगा, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो दोनों में यहां पर बी साइन एक्स है, वहां पे ए साइन एक्स, तो हम साइन एक्स कॉमन ले रहे हैं, आपको पता है साइन एक्स कॉमन लेंगे तो माइनस बी को बी से किया, ठीक है माइनस भी आप कॉमन ले सकते हो ताकि थोड़ा सा टेंशन कम हो जाए, माइनस हमारा ज्यादा ना रहे, माइनस ले लिया, तो बी को बी से किया बी स्क्वायर प्लस ए बी कोस एक्स, क्लियर। यहां से देखो माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस ए को ए से किया माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी कोस एक्स, इससे कैंसिल हो गया और डिवाइड में सिर्फ हमारे पास क्या बचा, एक बार लिख लेते हैं क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस, देखो मैं साथ लिखूंगा सभी को, चलो लिख दीजिए, यहां से बी स्क्वायर, पहले मैं लिख दू बी स्क्वायर, ये क्या है,
देखो इसके अंदर माइनस है तो मैं इसको साथ में लिखता हूं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस क्या है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स। फिर क्या है ये माइनस को बी से किया तो माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, फिर टू ए बी कोस एक्स और इस माइनस को इससे किया माइनस टू ए बी, मतलब लाइक टर्म एक साथ लिख ली मैंने, पहले क्या किया बी स्क्वायर और ए स्क्वायर को साथ, अब ए स्क्वायर कोस स्क्वायर इस माइनस को बी स्क्वायर से करूंगा तो माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर और टू ए बी कोस एक्स एज इट इज माइनस टू ए बी कोस एक्स एज इट इज यहां, और डिनोमिनेटर में यहां पे क्या है यह है b प्लस ए कोस एक्स की पावर एक और ये क्या है b प्लस ए कोस एक्स की पावर टू, एक पावर यहां से इससे कैंसिल हो गई इससे ये कैंसिल हो सॉरी एफ बी होगा ये नहीं होगा इससे ये होगा, हो गया। अब आप लोग देख रहे हो कि यहां से बच क्या रहा है कि दिस इंप्लाइज इस क्वेश्चन में बच क्या रहा है, तो बच रहा है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डिवाइड में क्या है आप लोग देखिए यहां से ये देखो मैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, क्या कॉमन ले रहा हूं बी स्क्वायर, यहां एज इट इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें माइनस कोस स्क्वायर आप कॉमन लो, माइनस कोस स्क्वायर लोगे तो यहां से क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्लियर। और नीचे क्या है ये क्या बचेगा b प्लस ए कोस एक्स, क्लियर। अब आप लोग नेक्स्ट देखिए क्या आएगा इसमें, नेक्स्ट है साइन एक्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डिवाइड में क्या है इसमें कॉमन लिया ये बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आएगा वन माइनस कोस स्क्वायर ऑफ एक्स या जाएगा b प्लस ए कोस एक्स यही आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए दिस इंप्लाइज ये क्या आएगा माइनस साइन एक्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डिवाइड में क्या है इसको अलग से लिखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये देखो वन माइनस कोस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर और ये एज इट इज क्या बी प्लस ए कोस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग देखिएगा माइनस साइन एक्स आप लोग इसको लिख सकते हो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना किसी के ऊपर अंडर रूट लगा के स्क्वायर कर सकते हैं, ये एज इट इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये साइन एक्स हो जाएगा स्क्वायर रूट कट जाएगा और ये बी प्लस ए कोस एक्स, साइन से साइन कैंसिल इससे ये कैंसिल तो आंसर क्या आया माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस ए कोस एक्स, ये मेरा क्या है डी वाई बाई डी एक्स। देखिए क्वेश्चन काफी लेंथी है बट हार्ड नहीं है, हमने स्टेप वाइज हर एक क्वेश्चन को किया है तो कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप देखो कोस से रिलेटेड हमने क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसी के अंदर कि डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है, किसका डेरिवेटिव फाइंड करना है आपको वो बताते हैं। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन लिखते हैं, इससे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोस इनवर्स यहां से दे रखा है 3x 4 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 5, क्लियर ये क्वेश्चन है आपके पास। और इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन एक और है हमारे पास, इसमें है यहां से यह दे रखा है कि साइन इनवर्स ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स डिवाइड अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है। आप लोग सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए, लेट मेरे पास जो क्वेश्चन में दे रखा है यहां से क्या है y इज इक्वल टू क्या है कोस इनवर्स सेपरेट डिवाइड करो 3 बाई 5 एक्स प्लस 4 बाई 5 अंडर रूट माइनस। इन क्वेश्चन की खासियत ये रहेगी अगर चार टर्म्स हैं, ध्यान रहे अगर अंदर कोस है, अंदर क्या है कोस तो यह फॉर्मूला बनेगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, अगर प्लस होगा प्लस बनेगा माइनस होगा तो माइनस, अगर जैसे दोनों क्वेश्चन से लिखे याद रहे अंदर कोस है तो अंदर कोस का ही फॉर्मूला बनेगा, ये याद रहे ये दिमाग में बैठा ले अपनी बात, क्लियर। और पुट भी इस हिसाब से करना है कि आपका यही फॉर्मूला बने तभी आपका सोल्व हो सकता है, क्योंकि हमने रूल बता रखा है इनवर्स के अंदर कि अगर बाहर कोस इनवर्स है तो इसके अंदर भी कोस इनवर्स बनाएंगे, तो आपको देखो रूल के अकॉर्डिंग देखे पुट क्या करें, आपको पता है इसको हमें कोस करना है, पुट पुट कोस ए इक्वल टू 3 बाई 5 और कोस बी इक्वल टू x,
यही पुट करते हम कोस ए को 3/5, कोस बी को एक्स। अब पता है कोस ए पता है तो साइन ए निकाल सकते हो, साइन ए होगा अंडर रूट 1 - cos² ए, तो साइन ए क्या होगा अंडर रूट 1 - 3/5 का स्क्वायर, और यहां से साइन ए आएगा क्या, ये आएगा अंडर रूट 1 - 9/25। सोल्व करोगे तो 16/25 दैट इज 4/5 हो गया। यहां से कोस भी है तो साइन भी निकाल सकते हो, साइन भी क्या होगा अंडर रूट 1 - cos² बी, तो अंडर रूट 1 - cos² बी। तो आपको ये पता लग गया कि साइन बी की वैल्यू क्या आ गई, साइन ए की वैल्यू क्या आ गई। अब लिखिए y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, ये किसकी वैल्यू है कोस ए की, ये किसकी वैल्यू है कोस बी की, 4/5 किसकी वैल्यू आई है साइन ए की। ये ऑटोमेटिक बन जाएंगे, ये ऑलरेडी रूल इसी साथ क्वेश्चन हिसाब से सेट करते कि बन जाए। तो आप लोग देखिए कोस इनवर्स किसका फॉर्मूला है, कोस ए माइनस बी का है ये, तो कोस से कोस कैंसिल, ए माइनस बी आ गया। अब ए बी की वैल्यू ऊपर से निकालोगे, ए क्या होगा देखो राइट साइड में जाएगा ए कोस इनवर्स 3/5, माइनस बी क्या है कोस इनवर्स ऑफ एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, कैसे होता है देखिए आपको पता है, इसको मैं लिख सकता हूं 3/5 का स्क्वायर d/dx, किसका डेरिवेटिव 3/5, और कोस का होता है 1/√1 - x², तो आपको पता है ये सब 3/5 का जीरो तो ऑल जीरो आएगा, और ये आएगा 1/√1 - x², तो मेरे पास आंसर ये आ गया। तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो इन क्वेश्चन। सेम अगर हम इससे अगला पार्ट देखें, यहां से y इज इक्वल टू सेपरेट डिवाइड करो साइन इनवर्स a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस एक्स। हमने पता है फॉर्म बाहर साइन है तो कंफर्म साइन का ही फॉर्मूला बनेगा, तो आपको पता है साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता क्या है, ये होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यही होता है। तो आपको पुट करने का पता लग गया कि आपको पता है कि हमारे पास यहां आएगा क्या साइन कोस, आपको पता है ये तो साइन है, तो कंफर्म हो गया कि पुट क्या करना है कोस बी इक्वल टू, या आप कोस ए ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी है, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पुट करना है। तो आपको पता है हमें साइन बी की वैल्यू चाहिएगी, तो साइन बी आप कैसे निकालोगे, क्या होता है अंडर रूट 1 - cos² बी, तो अंडर रूट 1 - a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपको पता है साइन बी इज इक्वल टू यहां से एलसीएम ए स्क्वायर, और यह आ जाएगा रूट कट जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एलसीएम आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो साइन बी आपका आ क्या रहा है अंडर रूट, इसको लिख दू बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, तो बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आप रख दीजिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, बोलो इसकी वैल्यू क्या है कोस बी, ये क्या है साइन एक्स, इसकी वैल्यू अभी भी क्या निकाली है साइन बी, और ये क्या है कोस एक्स। तो y इज इक्वल टू किसका फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, तो b प्लस एक्स, तो यहां से बताओ साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू आ गया b प्लस एक्स, तो b की वैल्यू है क्या, b की वैल्यू बताओ क्या होगा कोस इनवर्स a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां से प्लस एक्स, आपको पता है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, ये कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो एक्स का वन, तो आंसर क्या जाएगा वन। तो आप लोग इजीली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो।